like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. हेलो एवरीवन, दिस इज युवा ऐप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नोकिया की 7.1। आप लोगों के बीच कंफ्यूजन ये बिल्कुल ना रहे कि 7 प्लस और 7.1 दोनों मॉडल अलग अलग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों मॉडल अलग अलग है। यहाँ पे 7.1 प्लस नहीं आती बल्कि 7.1 है जिसका मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और 7 प्लस उसकी कीमत जो है 26,000 के रेंज में है और इसकी कीमत जो है एग्जैक्ट 20,000 के रेंज में है। और अमेजोन पे ये अभी आपको ऑफर प्राइस 18,600 में मिल जाएगा नोकिया 7.1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में फालतू का 5-10 कागज दे रहा है नोकिया एज ए गिफ्ट। वहीं पे आपको मिल जाता है ये छोटा सा चुटकू सा एडेप्टर, वहीं पे आपको मिल जाता है चार्ज करने के लिए ये केबल जो कि है बिल्कुल भी टाइप सी का, अच्छा चार्ज करती है और इसकी आउटपुट पावर 2 एम्पियर है जो कि आपके फ़ोन को एकदम फास्ट चार्ज कर देती है इस एडेप्टर के माध्यम से। साथ में आपको मिल जाता है ये हेडफोन जो कि बहुत ही रिलायबल और छोटा सा है, और ये 3.5 mm जैक के नोकिया की ब्रांडिंग के साथ आपको इसमें मिल जाता है माइक, और इसमें आपको प्रेस करने के लिए कोई बटन नहीं मिलेगा जैसे कि आते थे पहले नोकिया से पहले माइक्रोसॉफ्ट के फोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे को नोकिया का ब्रांडिंग, साथ में नीचे माइक, स्पीकर और टाइप सी केबल का चार्जिंग पोर्ट। ऊपर की ओर देखें तो आपको 3.5 mm का जैक फोन के राइट साइड में आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम कंट्रोल की के साथ आपको पावर ऑन ऑफ, पीछे देखें तो आपको डबल कैमरा, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी इसकी बॉडी की जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम की बनी हुई है। नोकिया के इस मॉडल के आपको दो कलर मिल जाएंगे, एक कलर जो देख रहे हैं थोड़ा ब्लू टाइप का है और वहीं पे आपको दूसरा कलर मिल जाएगा जो कि थोड़ा सिल्वर कलर का है। तो फोन को हमने कर दिया ऑन और बाकी इसे करते हैं आगे का प्रोसेस जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड में आपको करना ही होता है। नोकिया की 7.1 आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, इसमें इतना खास फीचर्स क्या है जिसकी वजह से ये फोन इतना कूल दिखता है। तो चलिए हम लोग इसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जो इस फोन का लेवल को बहुत ही ऊंचा कर देती है। यदि आप शौक रखते हैं नोकिया 7.1 की तो आप ये सारे फीचर्स जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों एक बार में इसका देख लेते हैं एक नज़र में इसका नेटवर्क और बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और किस प्लेटफॉर्म पर यह फोन काम करता है। तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं यहाँ पर GSM से लेके आप LTE तक यूज कर सकते हैं, हालांकि इसमें CDMA का ऑप्शन दे रहा है लेकिन ये इंटरनेट के लिए है। कि इसका 2G का बैंड देख लें तो बाकी सारे जितने फ़ोन एंड्रॉयड के आते थे 4G से पहले उसी टाइप का दिया हुआ है, साथ में 3G का भी आपको उसी टाइप का वर्जन मिल जाने वाला है। और 4G का देखें तो इसमें LTE दिया हुआ, हालांकि आप इसे डायरेक्टली वीडियो कॉल यानी कि वोल्टी कॉल भी एंजॉय कर सकते हैं। वेट इसका देखें तो 160 ग्राम जो कि बिल्कुल हल्का है, और इसका बिल्ड की क्वालिटी देखें तो फ्रंट और बैक में ग्लास लगे हुए हैं। बाकी इसके फ्रेम की बात करें तो एल्युमिनियम से डिज़ाइन किया हुआ है। सिम इसमें आपको सिंगल सिम रहेगा और वो नैनो में रहेगा, वहीं पर हाइब्रिड डुअल सिम का जो स्लॉट मिलेगा वहाँ पर आपको वो भी नैनो सिम का ही रहेगा। आप इस फ़ोन में लगा सकते हैं ड्यूअल सिम और SD कार्ड। साथ में इसका डिस्प्ले का यदि टाइप देखें तो यहाँ पे AMOLED आपको बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्स हो जाता है इस फ़ोन के लिए। और वहीं पे इसकी साइज़ देखें तो 5.84 इंचेज है जो कि काफ़ी बड़ा भी नहीं है और काफ़ी छोटा भी नहीं है, एकदम अफोर्डेबल साइज़ है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2280 पिक्सल के हैं इसके, और प्रोटेक्शन जो है फ्रेंड्स इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्रोनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 से इसे प्रोटेक्ट किया गया है। वहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो यहाँ पे 8.1 ओरियो इसके पहले मिले जा रहे थे, लेकिन अब जो फ़ोन आप यदि लेते हैं सेम फ़ोन आप खरीदते हैं अमेजोन से तो आपको एंड्रॉयड 9.0 यानी कि 5 वर्जन मिलने वाला है जिसे एंड्रॉयड 1 भी कहा जाता है। वहीं पे चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मीडियाटेक का हेलियो P60 मिलने वाला नहीं है जो कि नोकिया 5.1 में आप देख रहे थे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 CPU। देखें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, GPU इसका एंड्रॉयड 509 है, और आप इसमें कार्ड में लगा सकते हैं microSD और 2 SIM slot। इंटरनल की बात करें तो 64GB 4GB है, वहीं पर इसका दूसरा वेरिएंट 32GB और 3GB है, लेकिन इसका ज़्यादा पॉपुलरिटी 64GB और 4GB वाला रैम का ही है।
मेन कैमरा देखिए तो 12 मेगापिक्सल का है जिसमें डुअल पिक्सल PDAF दिया हुआ है। वहीं पे दूसरा कैमरा जो है इसका बैक में ही वो 5 मेगापिक्सल की है। और फीचर्स देखें तो इसकी जेसिस ऑप्टिक्स ड्यूअल LED दिया हुआ है और बाकी इसकी वीडियो की रेजोल्यूशन देखें 1160 पिक्सल का दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा जहाँ पे 1080 रेशियो का आप इसका वीडियो रेजोल्यूशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेडफोन में आप इसमें 3.5 mm के जैक लगा सकते हैं। बाकी फीचर्स देखें तो आपको इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आपको कंपास, फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी। पे बैटरी देखें तो बैटरी इसका जो है बिल्कुल भी नॉन रिमूवेबल है, लिथियम आयन की है, 3060 mAh की है। बैटरी थोड़ी सी इसमें आपको कमज़ोर मिल जा रहा है लेकिन नोकिया की बैटरी है तो अच्छी चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड बाय इसका 408 घंटा 3G पे और वहीं पे यदि आप बात करते हैं 3G पे तो 19 घंटा 30 मिनट यानी कि आपको एक दिन ज़रूर चलेंगे। कलर इसके देखें तो इसके दो कलर हैं, ग्लॉस मिडनाइट ब्लू जो कि बहुत ही अच्छा कलर है, ग्लॉस स्टील के मुकाबले इसका मिडनाइट ब्लू कलर जो है बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत। होप गाइज कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मुलाकात होगी आपसे।